हेलो फ्रेंड्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझसे कैनपी के फेशियल के बारे में पूछा था, तो आज मैं उसी के बारे में आपको बता रही हूँ कि इसके कितने स्टेप होते हैं, कैसे उसको किया जाता है जिससे इजी वे में आप उसको कर सकें। कैनपी जापानीज प्रोफेशनल रेंज का फेशियल है जो कि बहुत ही अच्छा फेशियल है सेंसिटिव स्किन के लिए। तो इसमें कितने स्टेप होते हैं टोटल वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें ऐसे सेशन निकलते हैं, देखिए। फर्स्ट इसका ये है क्लिंजिंग। फर्स्ट इसकी क्लिंजिंग है, इस पर कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि क्लिंजिंग है, सिर्फ इस पर एक डॉट बना हुआ है। इसका मतलब है आपको फर्स्ट नंबर पे ये अप्लाई करना है। क्लिंजिंग को आपको 5 से 7 मिनट के लिए करना है अच्छे से। उसके बाद जो सेकंड जो इसका सैशे है वो भी इसका क्लिंजिंग है, इसमें डबल क्लिंजिंग है। ये देखिए, इस पर 2 डॉट बने हुए हैं, तो ये भी एक क्लिंजिंग है। इसको भी आपको 5 से 7 मिनट के लिए करना है क्योंकि डीप स्किन को क्लीन कर देता है। उसके बाद जो इसका थर्ड स्टेप है वो स्क्रब है, माइक्रोफोलिएंट। देखिए, इसको सिर्फ आपको लगा के छोड़ना है 10 मिनट के लिए, उसके बाद आपको इसको रब करते हुए हल्के हाथों से हटाना है 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद इसका जो फोर्थ स्टेप है वो एक एम्प्यूल है, इस तरह का एक एम्प्यूल है। इसको आपको पूरे फेस पे अप्लाई करके 5 मिनट के लिए छोड़ना है, फिर अच्छे से उसको भी हटा देना है। नेक्स्ट स्टेप जो इसका है माइक्रो कैप्सूल डर्मा केयर ड्रॉप्स। छोटे छोटे हैं ये, बहुत ही सॉफ्ट जेली जैसे बीट्स हैं इसके अंदर। इसको हाफ को आपको फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है, उसके बाद हल्की सी 2 मिनट की मसाज करनी है फिंगर से, मतलब मल्सीफाई करना है आपको फेस पे, और इसको भी 5 मिनट के लिए ड्रॉप कर देना है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्रीम मसाज, ये इसका क्रीम मसाज है और ये इसका अंडर आई जेल है। तो आईज़ के नीचे आपको ये वाला जेल लगाना है और फिर क्रीम से आपको पूरे फेस पे मसाज करनी है 15 से 20 मिनट के लिए। ये आपके फेस पे रहेगा, उसके साथ ही आप क्रीम की मसाज दे सकते हैं। आप इसको हटा भी सकते हैं और इसके साथ भी क्रीम मसाज दे सकते हैं। उसके बाद इसमें इसके अंदर मास्क भी 2 हैं। पहले ये वाला मास्क लगेगा 2 से 3 मिनट के लिए, उसको हटाने के बाद आपका ये वाला मास्क लगेगा। ये वाला जो मास्क है ये इसका जेल है, ये इसका मास्क है, इस जेल में मिक्स होगा। आप हाफ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी टाइटनिंग देता है स्किन को, ब्राइटनिंग देता है, और कोई फेशियल से या आपको किसी भी तरह की कोई एलर्जी है या दाने हैं या आँख में है उससे भी ट्रीट करता है। तो बहुत अच्छा मास्क है, आप दूसरे फेशियल्स के बाद भी लगा सकते हैं अगर किसी को रैशेस की प्रॉब्लम हो तो। तो इस तरह से इसके सारे स्टेप हैं। इसमें इसके साथ एक गॉज भी दी हुई है आपको, ये पैक लगाने से पहले आपको इसको गीला करके पूरे फेस पे लगाना है, फिर आपको इसको पैक को लगाना है जिससे आपको रिमूव करने में आसानी हो। इसमें एक ये दिया गया है, इससे आप एम्प्यूल को अच्छे से ब्रेक कर सकते हैं। तो ये पूरी किट है सेंसी एस की, ये कैनपी का ब्रांड है, ये मेकअप स्टूडियो ब्रांड अगर आपने सुना हो तो उन्होंने ही फेशियल रेंज निकाली है प्रीमियम। ये बहुत अच्छा फेशियल है, कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है इसके अंदर, पूरा हाइजीन मेंटेन करके इसको बनाया गया है। ये देखिए, एक जो शैशे है पूरा 2 क्लाइंट पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ये कहीं भी आपकी स्किन में सेंसिटिव प्रॉब्लम है, रैशेज है या छोटे दाने हैं, आपको किसी फेशियल से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किसी भी सैलून में जाके ये वाला फेशियल करवा सकते हैं, या फिर अगर आप सैलून चलाते हैं या ब्यूटिशियन है तो आप अपने क्लाइंट को ही दे सकते हैं। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है और क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पूरे हाइजीन मेंटेन के साथ आप इस फेशियल को अच्छे से यूज़ करिए। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे आप सजेशन भी दे सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक मैं क्या बनाऊँ। थैंक यू सो मच।